रंजीत शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें इस नोटिफिकेशन बेल पर ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। हे गाइस, दिस इज रंजीत शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं MI के न्यू लॉन्च फोन की, जिसका नाम है MI 4। तो चलिए आज हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं कुछ इसके हिडन फीचर्स के बारे में। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे 3 दिन पहले ही अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया था, तो आज इसका ये 3रा दिन है। तो 3रे दिन में मुझे इसकी डिलीवरी मिल गई है और मैं इसको पहले ही खोल के देख चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। इसमें आपको मिलेगा ये बिल जो कि है 9000 रुपीज़ का, क्योंकि और ये है इसका डिब्बा। तो चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में और ये इसका बिल। तो बॉक्स पे दोस्तों, तो ये है 3GB रैम वाला फ़ोन है ये, और इसमें 32GB इंटरनल मेमोरी है। आपको ये थ्री वर्जन्स में अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि है 2GB रैम और 3GB रैम और 4GB रैम। तो दोस्तों, ये वाला है 3GB रैम का। और तो इसके चारों तरफ डिब्बे पे आपको सिर्फ MI की ब्रांडिंग नज़र आएगी और 4 का नेम दिखाई देगा। तो चलिए इसको हम अभी ओपन कर लेते हैं। तो आपको पहले तो मिलेगा इसका हैंडसेट और इसके सब मेन्यूज, और इसके अलावा आपको मिलेगा इसका चार्जर और इसकी डेटा केबल, और ये है इसका सिम ट्रे इजेक्टर पिन। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। तो ये चार चीज़ें आपको इसके बॉक्स में मिलेंगी। तो इसके चलिए हम अब फ़ोन के बारे में देखें। तो बात करें इसके डिज़ाइंस की, तो डिज़ाइन में ये आपको काफ़ी हद तक 4A की तरह दिखाई देगा, बस इसमें और उसमें फ़र्क फिंगरप्रिंट का है। 4A में आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, और ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक 3S प्राइम का अपग्रेडेड वर्ज़न है, क्योंकि वही सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे जो आपको 3S प्राइम में मिलेंगे। और इसमें इसकी ग्रिप दोस्तों, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्लिम है, और ये आपको 3 कलर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। और ये वाला कलर है रोज़ गोल्ड, जो मैंने ऑर्डर किया है। तो चलिए इसके आगे जाने फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको मिलेगी 5 इंच की IPS HD डिस्प्ले विद 2.5D कर्व ग्लास, और आपको फ्रंट में मिलेगा 5MP का कैमरा फॉर टेकिंग सेल्फीज़, और बैक साइड में आपको मिलेगा 13MP का कैमरा विद LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर, और आपको मिल जाएगी MI की ब्रांडिंग। राइट साइड में आपको मिलेगा वॉल्यूम बटन और पावर बटन, और लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी सिम ट्रे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो दो इसकी सिम ट्रे है वो दोस्तों आपको हाइब्रिड मिलेगी, जो कि आपको MI के सारे फ़ोन्स में मिलती है। इसमें या तो आप 2 सिम लगा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं 1 चिप और 1 सिम। तो चलिए इसको हम वापस लगा देते हैं। तो दोस्तों, और दोस्तों आपको टॉप में मिलेगा 3.5mm का ऑडियो जैक, और यहाँ पर आपको मिलेगा IR ब्लास्टर, जिससे आप अपने TV या AC कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको, और आपको नीचे के साइड में आपको मिलेंगे स्पीकर्स और मिलेगा डेटा केबल का स्लॉट। तो चलिए दोस्तों, अब इसके हम सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो चलिए मैं इसके सेटिंग्स में अबाउट में जाके देख लेता हूँ।
तो इसमें डिवाइस है MI 4A, मॉडल 4A, एंड्रॉयड वर्ज़न जो है वो है 6.0.1 जो कि आपका मार्शमेलो, और MI वर्ज़न जो है वो है MI 8.2, और जो CPU है इसका वो है स्नैपड्रैगन 435 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और इसकी जो रैम है वो है 3GB और इंटरनल मेमोरी है 32GB, और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक। तो इसके और फंक्शंस देख लेते हैं, जो आपको इसमें डुअल ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आपको MI के ज़्यादातर फ़ोन्स में मिल जाएगा। और चलिए इसका कैमरा देख लेते हैं, और कैमरे में आपको जो इसका बैक कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी हद तक मुझे ठीक लगी, और फ्रंट कैमरा जो है वो भी काफ़ी हद तक ठीक ही है। तो ज़ूम करके हम देख लेते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी, वो भी लगभग ठीक ही है, ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा। तो इसकी जो दोस्तों बैटरी है वो है 4100 mAh की। तो इसका जो बैकअप है ये 2 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है, और इसका बैकअप लगभग आपको एक दिन तो पूरा दे ही देगी। तो और इसमें जो इसका IR ब्लास्टर है उसका एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसका एप्लीकेशन मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये इसका एप्लीकेशन है जो MI ने पहले ही आपको इंस्टॉल करके दिया है। तो और फंक्शंस के बारे में हम देखें तो इसमें आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिल जाएगा कंपास, जो कि आप देख सकते हैं। तो और फंक्शंस हम इसके देखें तो इसमें आपको रिकॉर्डिंग, मेल, FM और क्लॉक, कैलेंडर, ये सब तो मिल ही जाएंगे, जो सब में मिल जाते हैं। और जो इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन है वो है स्कैनर, जिससे आप कुछ भी स्कैन कर सकते हैं जो आपके बिल्स वगैरह होते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो चलिए इसकी वीडियो क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं। इसमें हम वीडियो चेक करके देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी वीडियो क्वालिटी जो कि हमने देखी, और ऑडियो क्वालिटी। और चलिए इसके हम कुछ बैक और रियर कैमरा से खींचे हुए फ़ोटो देखते हैं। तो ये है दोस्तों इसका बैक कैमरा, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, फोकस जो है काफ़ी अच्छा है इसका। और जो फ्रंट कैमरा है हम फ्रंट कैमरे की क्वालिटी भी देख सकते हैं, तो काफ़ी हद तक ठीक है। 9000 रुपीज़ में ये एक बजट फ़ोन है। और तो चलिए अब हम इसके कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको नॉर्मली नहीं पता होंगे। तो चलिए अब हम जाने इसके हिडन फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर इसके हम हिडन फीचर्स के बारे में बात करें तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ़ोन्स की सेटिंग्स में, और इसमें आपको देखना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स, और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, ये है आपको दिखेगा चाइल्ड मोड। चाइल्ड मोड में आप जब ऑन करेंगे तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा सिक्योरिटी, और ये ऑन करने के बाद इसमें जैसे कि आप, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कुछ फीचर्स जो बच्चों के लिए आप अपने लगाना चाहें, जैसे जब आप
अपना फ़ोन का लॉक ऑन करेंगे तो सिर्फ वही फीचर्स दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने ये ऑन कर दिया है, अब मैं लॉक लगाता हूँ और उसके बाद जब खोलूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कंपास सेलेक्ट किया था तो सिर्फ वही दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने चाइल्ड के लिए जो भी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे चाइल्ड के हाथ में फ़ोन चला जाता है तो ख़राब होने का डर रहता है या इस टाइप से जो सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो उससे आप ये लगा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एक जो ऐप है वो इसमें दिया गया है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो चलिए इसके बाद हम इसको ऑफ़ कर देते हैं या फिर आप जैसे भी लगाना चाहें। तो और जो सेकंड इसका हिडन फीचर है MI4A का, उसके लिए आपको दोबारा से एडिशनल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट के बाद आपको देखेंगे स्लाइड थ्री फिंगर्स टू टेक का स्क्रीनशॉट। इसको जब आप ऑन करेंगे तो इसके बाद अपनी थ्री फिंगर्स को डिस्प्ले के ऊपर से जब आप टच करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया है। और इस टाइप से आप अपने फिंगरप्रिंट इसका शॉर्टकट्स, और एक ये हिडन फीचर्स है जो आप देख सकते हैं अपने MI4 में, जैसे कि आप मैं दोबारा दिखा सकता हूँ। तो और जो तीसरा इसका हिडन फीचर है वो, उसके लिए भी आपको सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो क्विक बॉल है आपको ये ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये एक शॉर्टकट दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारी शॉर्टकट कीज़ दिखाई दी जाएंगी जिससे आप इजी टू यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा किसी फंक्शन में ना जाके इसको शॉर्टकटली यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफ़ कर देते हैं इसे। और जो इसका नेक्स्ट जो हिडन फीचर है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग में। आपको मोस्टली जो इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आपको एडिशनल सेटिंग्स में ही दिखाई देंगे। तो ये जो हेडफोन एज ऑडियो इफ़ेक्ट है, इसको आप जब ऑन करेंगे तो आपको जब आपकी एयरफोन के हिसाब से ये आपको बेस देगा आपके एयरफोन में, जो भी आप सॉन्ग सुनेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो इसमें दिया गया है। तो दोस्तों जो इसका हेडफोन एज ऑडियो इफ़ेक्ट है, मैं इसमें ऑडियो जैक लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये MI की एयरफोन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो कंट्रोल म्यूज़िक प्लेबैक पे हम कर देते हैं और इसके बाद ऑन करते हैं। तो देखिए इसमें अब ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। आप अपने एयरफोन का चेक कर सकते हैं जो भी है, आप उसको सिलेक्ट करके एक अच्छी बेस और साउंड अपने एयरफोन में ले सकते हैं। तो चलिए एक तो ये फीचर्स हो गया। तो अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करें। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट हिडन फीचर है MI4 का, वो है आपको एडिशनल सेटिंग्स में दोबारा जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको दिखाई देगा एक वन हैंडेड मोड। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपको वापस इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या आप 4 इंच चूज़ करना चाहते हैं या 3.5। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ा फ़ोन नहीं चला पाते, तो उसके लिए ये मोड दिया गया है। तो हम होम स्क्रीन पे जाते हैं और ये राइट साइड में क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया है ऑन करने का। तो जब मैं इस पर ओके करूँगा तो इसकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। तो मान लीजिए जैसे कि छोटे बच्चे का अंगूठा लास्ट तक नहीं पहुँच पाता है तो उसके लिए वो यूज़ कर सकता है ये छोटी स्क्रीन भी। इसके सारे फंक्शंस इसमें, फिर स्क्रीन इसकी 3.5 की हो जाएगी जो कि मैंने सेलेक्ट की है। आप 4 इंच की भी कर सकते हैं। तो आप जब इसको हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको आप किसी भी साइड में ला सकते हैं। तो इसको मैं अब बंद कर देता हूँ। जैसे ये ऑन होगा उसी तरीके से ये ऑफ भी हो जाता है। तो ये थे कुछ MI4 के हिडन फीचर्स। तो दोस्तों ये थी MI4 की अनबॉक्सिंग और थे ये इसके कुछ हिडन फीचर्स।
तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।